go. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my never again. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है कावासाकी की निंजा 650, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं कि निंजा 650 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है कावासाकी, और साथ ही साथ यूपी वाराणसी में इस बाइक की जो प्राइस है आपको कितना देखने को मिल जाता है। तो गौर करिएगा, हम आपको इसके एक्स ऑन प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी निंजा 650 लेने वाले हैं, फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चले गए मेहनत तो चलेगा, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलेगा इस शुरू करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के एक्सोन प्राइस से। तो ये जो है ना निंजा 650 है, तो इसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है यूपी वाराणसी में, वो निकल के आ रही है 7,16,000 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 8,30,000 रुपए आपको इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है यूपी वाराणसी में। तो गाइस, गौर करिएगा, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया, आपको कंप्लीट प्राइस बताया जिसमें आपको RTA इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड करके मैंने बता दिया है। तो गाइस, ये तो हो गई इसके प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लुक की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि निंजा 650 का जो लुक मिलता है ना, काफी एरोडायनामिक, काफी सुपर बाइक की तरह लगती है, काफी स्पोर्टी लगती है देखने में। तो ये जो कलर है ना, ये लाइम ग्रीन कलर है, जिसमें अगर आप लोग देखेंगे तो लाइम ग्रीन एंड ब्लैक कलर में ये बाइक देखने को मिलती है, जो कि काफी स्पोर्टी, काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो आप लोग बताना कि इसका जो साइड प्रोफाइल है ना, आप लोग कैसी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी स्पोर्टी लगता है देखने में। साइड मिरर आपको कुछ इस टाइप मिल जाता है, और यहाँ पे देखेंगे ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर में आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ट्विंग एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। तो इसका जो फ्रंट लुक है ना, काफी स्पोर्टी, काफी एरोडायनामिक लगती है। तो आप लोग बताना कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, आप लोग कैसी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए, जो टर्न इंडिकेटर मिलता है वो आपको एलईडी मिल जाती है, लेकिन आपको फेयरिंग के अंदर मिलती है, जो कि काफी प्यारी लग रही है देखने में। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, इसका फ्रंट सेक्शन आपको कैसा देखने को मिल जाता है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि आपको काफी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे देखिए इसकी चेन देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट बेड गार्ड मिलता है ना, इसके ऊपर आप देखेंगे कावासाकी रेसिंग टीम के आपको स्टिकर मिल जाती है। यहाँ पे आपको एबीएस की बैचिंग मिल जाती है, यहाँ पे देखिए एबीएस की स्टिकर मिल जाती है, रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको मिलता है डुअल स्विंग फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है 300 mm का। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको ट्विंग डिस्क ब्रेक मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको एबीएस की चैन देखने को मिल रही है। और गाइस, आपको बता दें कि इसका जो फ्रंट टायर मिलता है उसकी बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में आपको मिलता है 120/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलावेल के साथ। तो गाइस, इसका जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है काफी बेहतरीन मिलती है, साथ ही साथ जो टायर साइज मिलता है ना, वो भी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। तो इसके ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम आते हैं इसके हैंडल बार के ऊपर, उससे पहले दिखाते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल मुझे काफी आई कैचिंग लग रही, तो आप लोग को इसका साइड प्रोफाइल आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हैंडल बार पे आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो इसका जो क्लच और ब्रेक लीवर मिलता है ना, आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल मिल जाती है, जिससे आप लोग अपने फिंगर के साइज के हिसाब से इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, जो की काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पीछे पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, यहाँ पे आपको मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट जलाने के लिए टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। राइट हैंडल बार पे आते हैं तो इंजन के स्विच, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। और इसका जो हैंडल बार मिलता है ना, वो क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाती है। इसका जो फ्रंट प्रोफाइल मिलता है ना, राइडिंग करते समय कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग बताना कि इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, आप लोग कैसी लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के ऊपर, तो गाइस यहां पे सबसे पहले देखिए, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप में इसका डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको फुल्ली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, इंजन मालफंक्शन लाइट, एबीएस इंडिकेटर, यहां पे आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहां पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप ए ट्रिप बी देखने को मिल जाती है, यहां पे देखिए बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। अब आप लोग को मीटर कंसोल में सारी चीजें जो देखना है ना, उससे आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये जो दो स्विच मिलते हैं ना, इससे आप लोग सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेंज मिल जाता है, यहाँ पे एवरेज मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल जाती है, एवरेज स्पीड देखने को मिल जाएगा, टोटल टाइम देखने को मिल जाती है, बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, जो मीटर कंसोल है ना, काफी एडवांस देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आप लोग बताना कि निंजा 650 का जो मीटर कंसोल है ना, आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो की मिलता है ना, कुछ स्टेप में देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक पे आते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे जो फ्यूल टैंक मिलती है ना, लाइम ग्रीन कलर मिल जाती है। फ्यूल टैंक का जो कैप मिलता है, मैट ब्लैक एंड सिल्वर कलर मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी
गाड़ी काफी स्पोर्टी लगती देखने में। और यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड में आपको कावासाकी रेसिंग टीम का आपको 3D एम्बर लोगो मिल जाता है, जो कि आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। साइड में आप देखेंगे ब्लैक और रेड कलर में आपको काफी अच्छी ग्राफिक देखने को मिल रही है। तो गाइस इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, काफी मसलूला, काफी स्पोर्टी देखने को मिल जाती है। तो आप लोग बताना कि इसका जो फ्यूल टैंक है ना, आपको कैसी लग रही देखने में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलती है आपको मिलती है 15 लीटर की। और साइड फेयरिंग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निंजा लिखा हुआ देखने मिल जाता है व्हाइट कलर के स्टिकर साथ। यहाँ पे आपको 650 की स्टिकर देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर के साथ। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो गाइज इस बाइक की जो इंजन मिलती है ना, वो मिलती है लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है। इसकी जो इंजन कैपेसिटी मिलती है वो मिलती है 649 सीसी की देखने को मिल रही है। FI इंजन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको जो मैक्स पावर निकल के आता है वो निकल के आता है 68 PS का 8000 RPM पे। तो गाइज जो मैक्स पावर है ना, काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो मिलता है 64.0 न्यूटनमीटर का 6700 RPM पे। 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे साइड स्टैंड में आपको इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल रही है। तो गाइज अगर आप लोगों को पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन चाहिए, अगर आप लोग इस बाइक को पसंद करते हैं तो आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस बाइक का जो इंजन मिलता है ना, काफी बेहतरीन, काफी मतलब पावरफुल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो चैन मिलता है लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके सीट के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका राइडर सीट है जो कि काफी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पिलियन राइडर का सीट मिलता है ना, थोड़ा सा नीचे तक मिलता है, जो कि राइडर के लिए बैकरेस्ट का भी काम करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। पिलियन राइडर का जो सीट मिलता है ना, वो भी आपको काफी कंफर्टेबल मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए स्प्लिट पिलियन गियर मिल जाती है, जो कि आपको पाइप वाली मिलती है। और यहाँ पे देखिए सारी गार्ड देखने मिल जाती है, इसमें कोई लेडी फुटेज देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस का जो सीट मिलता है ना, काफी स्पोर्टी देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसके सीट की वजह से इसका जो लुक निकल के आता है ना, काफी स्पोर्टी, काफी बेहतरीन लगता है। साइड में आप देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड कलर में आपको काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं इसके रियर टेल लाइट के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो रियर टेल लाइट मिलता है ना, आपको एक्स शेप में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो इसका जो टर्न इंडिकेटर मिलता है ना रियर में, वो भी आपको LED देखने को मिल रही है। तो रियर से जो लुक है ना इस बाइक के, कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में, इसके रियर सस्पेंशन के बारे में। तो गाइस रियर में आपको जो सस्पेंशन मिलता है उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको जो रियर सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है हॉरिजॉन्टल ब्लैक लिंक विद एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि आपको काफी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी। इसका जो रियर टायर मिलता है वो आपको काफी चौड़ा टायर मिलता है, जो कि आपको मिलता है 160/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलाविल के साथ। इसका जो रियर ब्रेक मिलता है वो मिलता है पेटल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है 220mm का डिस्क ब्रेक के बीच में। आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो गाइस टोटल इसमें आपको 3 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, एक रियर में मिल जाता है, 2 फ्रंट में मिल जाता है। तो ब्रेकिंग तो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है ना, अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं। तो गाइज ये था इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो आप लोग बताना कि इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है ना पैरेलल ट्विन इंजन के साथ ही आप लोग कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में कि इसमें आपको डायमेंशन क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके लेंथ की बात करते हैं तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2115mm, इसकी जो हाइट मिलती है वॉक मिलती है 1145mm का। इस बाइक का जो सीट हाइट है वॉक मिलता है 790mm, इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वॉक मिलती है 15 लीटर की। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वॉक मिलती है 130mm का। व्हील बेस जो मिलता है वॉक मिलता है 1410mm का। तो गाइज ये थे इस बाइक के डायमेंशन, इसके फीचर्स जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग बताना कि कावासाकी की निंजा 650 जो है ना लाइम ग्रीन कलर के साथ, ये आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो अपनी तरफ एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट हो, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हल्के दिन के करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।